हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आई एम प्रभा मावी, जो आपकी ड्राइंग टीचर हैं। आज आपको वो ड्राइंग में क्या कराएंगी, देखिए। टॉपिक नंबर है आपका 9, और इससे पहले हमने आपको टॉपिक नंबर 8 कराया था, जिसमें मैंने आपको लोटस फ्लावर बनवाया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम बनाएंगे साड़ी की बेल, जिसमें हमें कलर करना है। देखिए, ये लिखा हुआ है साड़ी की बेल, कलर इट, यानी कि हमें साड़ी की बेल बनानी है और उसमें बहुत सुंदर तरीके से कलर करना है। ओके, देखिए, हम साड़ी की बेल भी बोल सकते हैं, साड़ी की किनारी भी बोल सकते हैं, साड़ी का बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए आज हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, साड़ी की बेल को। तो सबसे पहले बच्चों, आप इरेजर, शार्पनर, पेंसिल और एक रफ पेपर लेकर बैठेंगे और स्केल, ठीक है, और वीडियो को देखते रहेंगे और रफ पेपर में उसको बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ की है। इसमें मुझे क्या बनाना है बच्चों, साड़ी की बेल, जो साड़ी की किनारी होती है, ठीक है, जो नीचे की साइड होती है वो। इसे इसमें आपको बहुत ही खूबसूरती से रंग देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। ओके, देखिए, अब हमने स्केल से इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों को इसी तरीके से अपनी, पहले आप एक रफ पेपर में बनाएंगे, फिर बाद में उसे आप अपनी ड्राइंग की नोटबुक में बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और हम बनाते हैं आज साड़ी की बेल। पहले हमें इससे अच्छे से तो बच्चों, जब कभी भी हम साड़ी की बेल बनाते हैं तो हमें उसकी ये जैसे कोने होते हैं, इन कोनों में से बॉर्डर को स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, सभी बच्चों को साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है और साड़ी की बेल को अच्छे से बनाना है। ओके, इसे हम साड़ी का बॉर्डर भी बोल सकते हैं, साड़ी की बेल भी बोल सकते हैं और साड़ी की किनारी भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों।
आपको समझ आ रहा है बच्चों? इसमें आपको कलर करना है, ओके? क्या करना है? कलर। पहले आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हमने क्या बनाया है? ये हमने बनाई है साड़ी की बेल, यानी कि साड़ी की किनारी भी बोल सकते हैं इसको, साड़ी का बॉर्डर भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपनी ड्राइंग की नोटबुक में बनाना है और इसमें आपको अच्छे से बिल्कुल सुंदर से तरीके से इसमें कलर करना है, ओके? तो आप बिल्कुल साफ सफाई से करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इस साड़ी की बेल को बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे और इसमें कलर करेंगे, ओके बच्चों? थैंक यू।